जुमे का दिन था, जिब्रील आए, या रसूल अल्लाह मुझे अल्लाह ने भेजा है कि जाओ मेरे महबूब का हाल पूछ के आओ। तो अब दर्द और बुखार दोनों चीजें थी, सर का दर्द भी हैवी वेट था और बुखार भी तपिश। बाप ने कहा जिब्रील तकलीफ है, तकलीफ में। हफ्ते का दिन फिर जिब्रील आए, या रसूल अल्लाह मुझे अल्लाह ने भेजा है कि जाओ मेरे महबूब का हाल पूछ के आओ। फिर आपने फरमाया तकलीफ में। इतवार को फिर जिब्रील आए, या रसूल अल्लाह अल्लाह ने भेजा है कि जाओ मेरे महबूब का हाल पूछ के। 12 रबीउल अव्वल आ गए, 632 ईस्वी और 11 हिजरी, आपकी तबीयत में बशाशत आई। तो सहाबा नमाज पढ़ रहे थे, आपने दरवाजा खोल के सबको यूं देखा। तो हजरत अनस फरमाते हैं हम सब नमाज में थे, लेकिन जब दरवाजा खुलने की आवाज आई अल्लाह के नबी का चेहरा, तो हम सब नमाज में यूं हो गए, नमाज के अंदर ही सारे अल्लाह के नबी को देखना शुरू कर दिया। भूल ही गए कि नमाज पढ़ रहे हैं, ऐसे गुम हो गए आप में। तो आपने जल्दी से दरवाजा बंद फरमा दिया। ये आपकी आखिरी ज्यारत थी अपनी उम्मत के लिए, उसके बाद आप अपने अल्लाह की तरफ का सफर शुरू किया।